शायर बहुत अच्छा शेर कहता है, कंपोजर बहुत अच्छी बंदिश मरतब करता है, पढ़ने वाला उसको पढ़ता है, तीन अफराद तक कम अज कम काम होता है। फिर ये होता है कि इसमें ये तय नहीं हो पाता कि जो कलाम मशहूर हुआ है तो असल क्रेडिट किसका है, वो तो अलग रहा, आखिरत की तो अजर सवाब की बात अलग रही। तो हर शख्स अपने तौर पे क्लेमेंट होता है। अब कैसे पता चले कि कितनी रात शायर की है, कितनी कंपोजर की है और कितनी जो है परफॉर्मर की है। अच्छा भैया, मुझे एक ही एडवांटेज है कि बस खुद ही कह लेता हूँ, खुद ही मुरतब कर लेता हूँ, खुद ही पढ़ देता हूँ, जैसा भी है। अब जितनी भी है बहुत थोड़ी सी है, कोई ज्यादा उनमें नहीं है, मगर जितनी है वो सारी मेरी है। तो अब इसमें मतलब जाहिर मौला की ताइफ है, इसमें ये झगड़ा नहीं होता कि परसेंटेज का झगड़ा नहीं होता कि कितनी कितनी परसेंटेज है। अच्छा, मैंने फिर ऐसी बंदिशें बनाई कि नौखानी और कोफानी और शायरी का मतलब सब एक तवाजुन था, एक इम्तजाज हो जाए और हर तरह का कलाम हो जाए। कुछ ये कसम का ये मैंने इसमें मसाइब के शेर नहीं पड़े थे, ये आपकी मोहब्बत है और जाहिर है कि मौला के फजाइल ही मसाइब हैं और मसाइब ही फजाइल हैं, यानी वो कुर्बानियां ही उनकी फजीलतें हैं। इसमें कोई हद फासिल खींचना किसको ना आए तो बड़े बड़े शहादत पे नहीं होता आदमी और रोने पे विलादत पर हो जाता है। तो ये रोना रुलाना या वाह ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो जो है जहन में आए वो कलाम पेश करना है, वो पेश करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि किसको किस तरह कबूल करते हैं। बहरहाल गिरिया हो या ये सब तवल्लाही की या वाहवा हो, ये सब तवल्लाही की शक्लें हैं। विलादत की खुशियाँ मनाने के दिन हैं, विलादत की खुशियाँ मनाने के दिन हैं, यही तो मुकद्दर बनाने के दिन हैं, यही तो मुकद्दर बनाने के दिन हैं। बदगुमा चादा हर माँ, शायद ये महीना ऐसा है कि जिसमें कोई शहादत नहीं है। बदगुमा चादा हर माँ, यही यकून हसने हसाने के दिन। चलो चल के बैठे कलंदर के दर पर, चलो चल के बैठे कलंदर के दर पर, ये मस्तों के धुनी रमाने के धुनी रमाने के दिन है। रजब हो या शाबान रमजान दिल हिज, रजब हो या शाबान रमजान दिल हिज, रजब हो या शाबान रमजान दिल हिज, मलंगों के खाने कमाए, अगर आप में से कोई साहब इनकी बात समझ गया तो मुझे ही बताए।
ये बताइए कि मैं ये पगड़ी बनवाने के बाद रहा। आमीन सुना। अच्छा हम बगैर समझे भी आपकी बात से आमीन तो कह देते हैं, क्योंकि अच्छी बात है। यानी ये तो समझने की कोशिश कर रहा है, नियत पे शुभ थोड़ी है, अपनी समाज पे शुभ है, आपकी नियत पे शुभ थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि ये बांध के मैं रहन आदमी तो नहीं लग रहा लग रहा होता आज हसन मंजी साहब ने बड़ी नसीहत किया रहन आदमी। हाँ ये तो बहुत मैं बिला शोभा, इसमें तो कोई शोभा ही नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा था कि मैं इस इज्जत के लायक हूँ भी या नहीं। रजब हो रचान रमदान दीजिए, रजब हो रचान रमदान मलंगों के खाने कमाने के दिन बुला लाए कोई परज दस को जाकर, बुला लाए कोई परज दस को जाकर, बुला लाए कोई परज दस जाकर, यही अपने सुनने जबूरुन का होगा तो खुशियाँ मिलेंगी, जबूर का होगा तो खुशियाँ मिलेंगी, मवद्दत की राह सजाएंगे, बदब कटने वाली है फुर्सत की रातें, बदब कटने वाली है फुर्सत की रातें, इमाम ज़माना के जब कटने वाली है फुर्सत की रातें, जब कटने वाली है फुर्सत की रातें, बड़ी बात इमामे ज़माने के आने के दिन।